हेलो फ्रेंड्स, पिंक हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू कैमरा लेके आई हूँ जो बहुत अच्छा है और अच्छा कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। सो लेट्स स्टार्ट, हम कैमरे पे चलते हैं। और अगर ये कैमरा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर ये कैमरा आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत ने मुझे कमेंट्स किया है कि मैंने जो जो कैमरे बताए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन नहीं किया है, तो डोंट वरी, अगर हुआ पॉसिबल हुआ तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट फ्रेंड्स, जो कैमरे मैंने आपको सेंड किए थे पहले वाले, तो वो उनका लिंक अभी मेरे पास नहीं है, सो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट मैं उससे भी अच्छे अच्छे कैमरे आपके लिए लाती रहूँगी, तो बने रहे मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट, हम ब्यूटी कैमरे के बारे में जानते हैं अब, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैमरा ओपन हो गया है। अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से हमें फीचर्स मिल जाते हैं। सो कैमरा को हम ओपन करेंगे, हम यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैमरा ओपन हो गया है और मैं आपको यहाँ के फीचर्स बता देती हूँ कि हमें यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट हमें फेस लाइट मिल जाता है। देखिए, फेस लाइट ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है और ऑटो का भी है, ठीक है ना। तो ऑन है तो हम अभी फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो देख लीजिएगा आप, आपको कैसे फेस लाइट मिल जाती है। देखिए, देखा फ्रेंड्स आपने। और फिर सेकंड में हमें सेटिंग्स में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देखिए, मैं फेस लाइट बंद कर देती हूँ। फिर देखिए, हम यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फर्स्ट हमें स्क्रीन का है कि हमें यहाँ पर हमें चार तरह की स्क्रीन मिल रही है। पहले हाफ मिल रही है, फिर फुल मिल रही है, फुल स्क्रीन, फिर उससे भी हाफ मिल रही है। चार टाइप की स्क्रीन जो रेशियो में डिवाइड है। सो देखिए, 4.3 में। सर, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर चार टाइप का मिल रहा है स्क्रीन। और फिर सेकंड में हमें टाइमर मिल रहा है फ्रेंड्स, वो भी 10 सेकंड का टाइमर्स, सो बहुत अच्छा है। थर्ड में हमें टच मिल रहा है। टच मींस अगर आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो और आप स्क्रीन को टच करोगे तो भी आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, अगर टच ऑन हो तो, ठीक है ना। तो आप इसे ऑन रखोगे तो आप स्क्रीन को टच करोगे तो फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। और बेसिक जो है नॉर्मली हमारा जो जिससे हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं उसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में वॉइस है, यहाँ पर वॉइस का एक, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नीचे एक वॉइस का लोगो बना हुआ आ रहा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी वॉइस हम जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और हमारा फ़ोटो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, सॉरी कैप्चर हो जाएगा फ़ोटो। प्लेन में फ्रेंड्स, जैसे हम फ्लैश लाइट्स में फ़ोटो लेते हैं ना, वैसे ही अगर इसमें लेंगे हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करना, मैंने इसे ट्राई किया है। जाता है और फार्मिंग मिल जाती लाइन, ये कोई वो नहीं है, इतना भी रिलेटेड नहीं है। और फिर नीचे हमें कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, हम इससे बाहर आ सकते हैं, कैमरे से बैक हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें बेसिक टच जो नॉर्मली सभी कैमरे में मिलता है वो मिल जाता है। और फिर यहाँ पर नीचे हमें कैमरा ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम एक बार टैप करेंगे तो सेल्फी, सेकंड बार टैप करेंगे तो बैक कैमरा। और यहाँ पर हमें
यहाँ पर ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इससे वाइटनेस होगी। अगर हम कैमरा ले रहे हैं तो 6 पे हैं, 5 पे भी कर सकते हो आप। 1 पे नॉर्मल ही रहेगा, 2nd में थोड़ा ब्राइट रहेगा, 6 पे जितना यहाँ पर इसमें ब्राइट है मोबाइल में उतना रहेगा। सो अगर ये कैमरा आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा और इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। और अगर इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।